हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे विटिलिगो के बारे में, हाउ द विटिलिगो स्टार्ट्स इन बिगनिंग, कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो विटिलिगो की शुरुआत आप जानते हैं कि सफ़ेद पैचेस होते हैं, स्टेचिंग नहीं होती, स्केलिंग नहीं होती और एसिम्प्टोमेटिक वाइट पैचेस होते हैं। कई बार बच्चों में, छोटे बच्चों में वाइट पैचेस खासकर के चेहरे पे आते हैं और लोग उसको विटिलिगो से कंफ्यूज करते हैं, जबकि वो हो सकता है दे कैन बी स्मॉल फंगल इन्फेक्शंस लाइक लैक्टीरियासिस या फिर कोई और कंडीशंस हो सकती हैं जो विद टाइम अपने आप सेटल कर जाती हैं। उसको देखने के लिए हमको अल्ट्रावायलेट लैम्प, वुड्स लैम्प के नीचे देखना होता है टू डिफ्रेंशिएट द टू। अनदर थिंग दैट वी गेट इन विटिलिगो, कई बार शुरुआत होता है जैसे कोई चोट लग गया, स्मॉल बर्न और स्क्रैच, पोस्ट ट्रोमेटिक उस एरिया में वाइट पैच आ जाता है जो विद टाइम हील नहीं करता और वहाँ पे वो वाइट पैच की तरह बना रहता है। सो दैट इज वन सिम्टम ऑफ विटिलिगो इन द बिगिनिंग स्टेजेस। कई बार ये वाइट पैचेस स्मॉल स्पॉट्स के फॉर्म में आते हैं आर्म्स में और लेग्स में या ट्रंक पे, और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं इनका साइज और नंबर। तो अगर आपके वाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं पेट पर, हाथ पर या पाँव पर, और धीरे धीरे उनका नंबर और साइज बढ़ रहा है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, यह विटिलिगो की शुरुआत हो सकती है। कई बार विटिलिगो अगर हम देखते हैं आईब्रोज में और सर के बालों में, वहाँ पर जो विटिलिगो की शुरुआत है वो शुरू में नहीं दिखती है, लेकिन वहाँ पर बाल सफ़ेद होने लगते हैं खास करके यंग एज में। और अगर आप यंग हैं, आपके आईब्रोज का या सर का एक पैच वाइट हो रहा है, तो आपको रूल आउट करना चाहिए कहीं उसके नीचे विटिलिगो तो नहीं है जिसके कारण वहाँ पे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जो हमको ध्यान में रखने चाहिए कि पेशेंट को कहीं विटिलिगो तो नहीं है या विटिलिगो बढ़ तो नहीं रहा, और अगर वो बढ़ रहा है या है तो शुरू में इसका इलाज करें, इसको बढ़ने ना दें। क्योंकि अगर वाइट पैचेस बढ़ जाते हैं, 20-30% एरिया कवर कर लेते हैं बॉडी का, तो फिर मेडिसिन काम नहीं करती हैं। देन वी कैनॉट डू द ट्रीटमेंट। इनफैक्ट तब हम डीपिगमेंटेशन पर काम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।